रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप प्रूफ कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आपने ये देख लिया यहां पे कि अगर जी कोई ग्रुप है ठीक है, और कोई एलिमेंट हम ए और बी अगर जी में से ले लेते हैं, अगर बी ए का कॉन्जुगेट है, तो उसी जी में एक यक्स ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए यक्स, ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कैसे बोलते हैं बी इज कॉन्जुगेट टू ए बोलते हैं, है ना। यहाँ बोलते हैं कि बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है, और बी और ए में जो ऐसा रिलेशन है उसको हम रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी करते हैं। इस रिलेशन को जो एलिमेंटों के बीच में इस तरह का जो रिलेशन है इसे रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी करते हैं। तो इस तरीके से जी में एलिमेंटों के बीच में जो इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या करेगा जो भी करेगा, है ना, ये जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव होता है। हर एलिमेंट को आप अब उसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट रूप में देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट आइडेंटिटी, है ना। आप सिमेट्रिक भी देखेंगे कि जो कॉन्जुगेसी के रिलेशन होता है सिमेट्रिक भी होता है, अगर ए बी के कॉन्जुगेट ग्रुप में है तो बी भी ए के कॉन्जुगेट ग्रुप में दिखाई देगा आपको, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आपको दिखाई देगा कि अगर ए बी का कॉन्जुगेट है बी सी का कॉन्जुगेट है तो ए बी सी का कॉन्जुगेट होगा, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब इससे मालूम क्या है, इससे एक चीज है कि इस कॉन्जुगेसी के रिलेशन की इक्विवेलेंस होने से और कॉन्जुगेसी का रिलेशन एग्जिस्ट करने से ग्रुप में, है ना, उस ग्रुप का पार्टीशन हो जाता है, वो ग्रुप बढ़ जाता है, बस मारी है और बढ़ जाता है और बन जाता है इक्विवेलेंस क्लास, है ना। कई नंबर आपके, है ना, मतलब कुछ नंबर में इक्विवेलेंस क्लास बन जाएंगे, कई इक्विवेलेंस क्लास बन जाते हैं। अब वो कैसे बनता है, किस तरीके से बढ़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़ता किस तरीके से है, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से बढ़ता कैसे, ऐसे मान लीजिए देखो ए आपने जी में लिया, अब ए से कॉन्जुगेट ग्रुप में कौन कौन जी का एलिमेंट है, एक बार समझिएगा यहाँ पे, है ना। अगर बी ए के कॉन्जुगेट है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, हो सकता है जी का कोई एलिमेंट सी भी ए के कॉन्जुगेट के रूप में हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे सी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए आपका एक्स, हो सकता है ऐसा भी दिखाई दे सकता है, हो सकता है जी का कोई एलिमेंट डी भी ए के कॉन्जुगेट के रूप में हो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट का मतलब है ना बी अगर ए के कॉन्जुगेट रूप में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जी में। आई जाइए पहले आप लोग, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर ए कोई जी का एलिमेंट है, वो ध्यान समझिएगा, अगर जी का कोई एलिमेंट बी अगर ए के कॉन्जुगेट के रूप में है तो उसी जी में कोई यक्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि यह कंडीशन होल्ड करेगा, तब बोलेंगे बी इज कॉन्जुगेट टू ए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात यह है कि कॉन्जुगेसी जो बी ए के कॉन्जुगेट ग्रुप में है और ये जो बी और ए के बीच में जो रिलेशन है इस टाइप का, उसे रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कहते हैं, और कल मैंने प्रूफ कराया रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इन सबके ऐसा होने से क्या होता है कि जो ग्रुप जी है ना उसमें पार्टीशन हो जाता है, वो बढ़ जाता है इक्विवेलेंस क्लास, है ना। वो कैसे कैसे बढ़ता है थोड़ा देखिएगा ध्यान से, वो इस तरीके से बढ़ता है, अगर आपने ए जी में लिया है और जी का कोई एलिमेंट बी जो है वो ए के कॉन्जुगेट के रूप में है। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि बी कॉन्जुगेट रूप में है तो कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना, हो सकता है कोई और एलिमेंट सी भी हो, वो भी ए के साथ ऐसा कोई कंडीशन होल्ड कर जाए जी के किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, तब सी भी ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा। कोई एलिमेंट मान लीजिए जी का और कोई डी हो, वो भी किसी जी के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, है ना, इस तरह का कंडीशन होल्ड कर जाए तो डी भी ए के कॉन्जुगेट के रूप में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ए के कॉन्जुगेट के रूप में जी के जितने एलिमेंट दिखाई देंगे उनका एक सेट बना देंगे आप, और उसको हम लोग दिखा देंगे सी ऑफ ए, सी ए से दिखा देंगे, है ना, एक क्लास आपका ये तैयार हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ए। और इस सी ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे जी के, इसमें जी के वे एलिमेंट आएंगे, इसमें जी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेट के रूप में होंगे, ऐसे। अच्छा, इसी प्रकार से ऐसे एक ही बात है, ऐसे और भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लो हमने जी से कोई एलिमेंट बी ले लिया, अब देखते हैं कि जी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी के साथ कॉन्जुगेट के रूप में है, तो जी के जो एलिमेंट बी के साथ कॉन्जुगेट के रूप में रहेंगे उसे हम सी बी या सी बी से दिखाएंगे, बस नहीं। तो इसमें जी के वे एलिमेंट आएंगे, मान लो वाई लिख देते हैं, वाई बिलोंग्स टू जी, इसमें जी के वे एलिमेंट आएंगे, है ना,
जो बी के साथ कॉन्जुगेट के रूप में हो। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से जी का हर एक एलिमेंट ऐसे ही आपको एक एक ठो क्लास एक एक ठो है ना सेट इस तरह से बनता चला जाएगा। तो इस तरह से अच्छा इसमें है क्या, इसमें भी जी के ही कुछ एलिमेंट है, इसमें भी जी के ही कुछ एलिमेंट है, अगले वाले में जी का ही कुछ एलिमेंट होगा। इसमें जी के वे एलिमेंट जो ए के साथ कॉन्जुगेट, इसमें जी के वे एलिमेंट है जो बी के साथ कॉन्जुगेट के रूप में है, इसमें अगले वाले में जी के वे एलिमेंट जो सी के साथ कॉन्जुगेट के रूप में होंगे। तो इस तरीके से कई सेट बन गए और उस सेट में जी के ही एलिमेंट है, मतलब हर सेट में जी के ही एलिमेंट बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जी के एलिमेंटों क्या रहता है, पार्टीशन, पार्टीशन में आता है और नए नए आपके क्लास बन जाते हैं, नए नए सेट फॉर्मेशन में आता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस। बात समझ आई? इस तरीके से तमाम लार्ज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, जी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास तैयार हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? मतलब बढ़ जाएगा नहीं, इस तरीके से जी के एलिमेंट बढ़ जाएंगे। जी के वे एलिमेंट जो ए के साथ कॉन्जुगेट रूप में, एक नया सेट बन गया। जी के वे एलिमेंट जो बी के साथ कॉन्जुगेट, एक नया सेट बन जाएगा। जी के वे एलिमेंट जो सी के साथ कॉन्जुगेट रूप में, एक नया सेट बन जाएगा। इस तरह से जी के ही एलिमेंट जो है कई पार्ट में बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे और कई इक्विवेलेंस क्लास बनते हुए दिखाई देंगे। तो भाई क्योंकि आप जानते हैं कि जो बढ़ रहा है सेट में एलिमेंट वो कैसा है, किस रिलेशन पे है, वो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, और रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए जो सेट बन रहा है ना इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। बस नहीं, इसको इक्विवेलेंस क्लास में बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इसी पे ये पूरा यूनिट पढ़ेगा आगे, इसी पे ये पूरा यूनिट बढ़ेगा कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ग्रुप के एलिमेंटों के बीच में एग्जिस्ट करती है तो उसमें कई इक्विवेलेंस क्लास बनते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब जी के एलिमेंटों में पार्टीशन होता हुआ दिखाई देगा, है ना, मतलब जी के एलिमेंट बढ़ते हुए अलग अलग सेट में आपको दिखाई देंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके की बातें भी होंगी यहाँ पे। अब आगे देखिए, हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम इस जो है यूनिट को आगे हम पढ़ते हैं तो हम इसमें नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर की बात करते हैं कि नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसमें इंडेक्स की भी बात करते हैं। इंडेक्स का नाम सुना है आपने, इंडेक्स ऑफ एच इन जी का मतलब, इंडेक्स ऑफ एच इन जी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट पोर्शन ऑफ एच इन जी, है ना। मतलब एच नंबर ऑफ इंडेक्स से तो समझो यार, जी कोई ग्रुप है या सब ग्रुप है, तो जी के एलिमेंटों को लेकर हम लोग सब ग्रुप में या तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड करते हैं, जो भी ऑपरेशन हो उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उसको लगाते हैं, चाहे लेफ्ट से या राइट से लगाते हुए हम बना देते हैं, बन जाता है कोशेट आपका, कोशेट, है ना। जी और एच, अगर जी ग्रुप है या सब ग्रुप है तो आप कोशेट बना सकते हैं आसानी से, है ना। मैं आपको हल्का सा दिखा भी देता हूं क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसलिए हम जो भी बातें होंगी अगर आपको दिमाग में भूल गया तो उसको देख लीजिए। जी आपका है 1-1 i-i और एच हमारा है 1-1, है ना। एच जो है जी का सब ग्रुप है, तो कैसे पोषक बनते हैं, जी का एलिमेंट लेके एच से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 × h पहला आपका कोशेट, -1 × h दूसरा कोशेट, i × h तीसरा कोशेट, -i × h चौथा कोशेट, ऐसे चार कोशेट बनेंगे। बात समझ आ रही है? जितने जी में एलिमेंट होंगे उसको लेके ऐसे बनाते हैं कोशेट। इसको आप ऐसे भी h × 1 भी कर सकते हो, h × -1 भी कर सकते हो, h × i भी कर सकते हो और h × -i भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं लेफ्ट कोशेंट, इसको बोलते हैं राइट कोशेंट। एलिमेंटों किधर से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट कोशेंट राइट कोशेंट सेम होते हैं, ये आपने सब प्रूफ किया हुआ है सब कुछ, है ना, सेम होते हैं, है ना। बट फिर भी बोलने का जो तरीका होता है, अगर एलिमेंट को लेफ्ट से आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो कोशेंट तैयार होता है लेफ्ट कोशेंट, और राइट से ऐसा करते हो तो राइट कोशेंट। इसमें आएगा कौन, कैसे सेट बनते हैं, ये सेट बनते कैसे हैं, बड़ा इजी है भैया। जो एलिमेंट आपने मल्टीप्लाई किया उसे एच में क्या है, 1-1, 1 से गुणा कर दो, 1 × 1 = 1, 1 × -1 −1, मतलब 1 × h जो पहला कोशेंट उसमें एच ही, वो एच के ही बराबर आएगा। -1 × h का मतलब -1 × 1 −1 और −1 × −1 + 1, ये भी एच के ही बराबर आएगा। और आई का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप एच में तो i × 1 i और i × −1 − i, एच के बराबर नहीं है ना, इज नॉट इक्वल एच। और −i × h करेंगे यहां तो −i और −i × −1 तो + i आएगा, ये भी अगेन नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। ये चार कोशेंट बनेंगे, इसमें सामने देखा दो कोशेंट तो एच के बराबर आ रहा है और दो कोशेंट एच के बराबर नहीं है। कौन से कोशेंट एच के बराबर आ रहे हैं, वे कोशेंट एच के बराबर आ रहे हैं, है ना, जो
जी के उन एलिमेंटों में करेस्पॉन्डिंग बना हुआ है जो एलिमेंट एच में भी है, जो एलिमेंट एच में भी है। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पे वन वन के करेस्पॉन्डिंग और माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग जो कोशेंट बना हुआ है वही एच के बराबर आया। क्यों? क्योंकि वन और माइनस वन एच में भी है। तब थ्योरम पढ़ा है कि अगर ए बिलोंग्स टू एच तो जो ए एच होता है वो एच के ही बराबर होता है। अगर एलिमेंट जो एलिमेंट आपने जी से लेके कोशेंट बनवाया हुआ है अगर वो एलिमेंट एच का भी एलिमेंट है तो ऐसे केस में जो कोशेंट बनेगा वो एच ही होता है। आपने देखा भी, अपने एग्जाम्पल के सामने देखा भी। फिर उसके बाद आप ये भी देखते हो कि कोई भी दो लेफ्ट या राइट कोशेंट, कोई भी दो आप कोशेंट ले लीजिए आप, है ना, दो दोनों कोशेंट या तो आइडेंटिकल होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम होंगे और डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में। तो देखो यहाँ पे इससे पहला दूसरा कोशेंट अगर आप ले लो ये दोनों सेम है ना, है सेट में आप आगे पीछे एलिमेंट को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ये भी क्या है, ये दोनों सेम है। अगर मैं दूसरा तीसरा ले लूं तो ये डिसजॉइंट है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इस वाले में माइनस वन वन है, इसमें आई माइनस आई है, तो दूसरा तीसरा कोशेंट जो है डिसजॉइंट है। तीसरा चौथा कोशेंट जो है वो आइडेंटिकल है, तीसरे में भी आई माइनस आई है, चौथे में भी आई माइनस आई, तो आइडेंटिकल है। चौथा पहला कोशेंट ले लो तो डिसजॉइंट, क्योंकि चौथे में आई माइनस आई है, पहले में वन माइनस वन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जितने भी कोशेंट बनते हैं, जितने भी कोशेंट बनते हैं, कोई दो कोशेंट आप उनको उठाओ वो या तो डिसजॉइंट होंगे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा उसमें, या तो आइडेंटिकल मतलब कुल मिलेगा, सेम टू सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कुछ मिल रहा है कुछ ना मिले, ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल। ये भी थ्योरम आप सब थर्ड सेमेस्टर में किए हैं, यहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। अब देखो इसके बाद, अब इसमें एक चीज और होता है कि इसमें जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट है ना, जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट होते हैं जब उनको आप मिलाते हो तो जी बन जाता है। डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट को अगर आप उसका यूनियन ले लो, है ना, लैग्रेंज थ्योरम इसी में प्रूफ हुआ था, है ना। अगर डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट का यूनियन ले लो आप तो आपको जी मिल जाएगा पूरा पूरा जी। इसमें कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट है? दो है, दो ही तो है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो मैं बोलूं इसमें से आप जितने कोशेंट हैं वो अलग अलग हो उनको ले लीजिए, तो कौन से लेंगे? दुनिया होगा एक वन माइनस वन वाला होगा, आई माइनस आई वाला, क्लियर है ना। वन माइनस वन ले चाहे माइनस वन वन एक ही बात है वो तो, और आई माइनस आई ले चाहे माइनस आई आई ले एक ही बात है। इसमें डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट कितने हो गए? दो। और इन जब दोनों का यूनियन लोगे तो जी के भी बराबर आया है, ये बात समझ में आ रही है। और ये जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट होते हैं इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एचिंग जी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट इज कॉल्ड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ एचिंग जी, या इंडेक्स का बहुत बार बार यूज होगा तो इंडेक्स समझ लीजिएगा। इंडेक्स का मतलब है ना, अगर जी ग्रुप है या सब ग्रुप है तो जो कोशेंट बनेंगे जी के एलिमेंटों द्वारा जो एच के करेस्पॉन्डिंग जो कोशेंट बनते हुए दिखाई देंगे, तो जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट बनेंगे उन्हीं डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी, है ना। तो उसको हम ऐसे जी बाई एच से दिखा देते हैं, है ना। तो ये कितना जाएगा? दो, सॉरी यहां कितना इंडेक्स है? इंडेक्स आपका दो है, इंडेक्स आपका दो है, क्योंकि भाई दो ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोशेंट है ना। और इतने नहीं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू टू। लैग्रेंज थ्योरम कहता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और वही जो रिजल्ट आता है दैट्स द कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी, उसी को इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ग्रुप जी कहते हैं, है ना। भाई जी का ऑर्डर कितना है? चार, चार एलिमेंट है। एच का ऑर्डर कितना है? दो, दो एलिमेंट है, तो चार में दो से डिवाइड दो आएगा। ये दो कौन सी संख्या है? ये दो वह नंबर है जो यह बताता है कि कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट हैं एच के जी में, एच के जी में। ये जो दो आता है एक्चुअल में इसको इंडेक्स बोलते हैं, बात समझ आ रही है, क्लियर है सबको ना। यह चीज कंफर्म होना चाहिए, इंडेक्स किसी भी सब ग्रुप एच का जो इंडेक्स होता है जी में एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है डिस्टिंक्ट, इधर बढ़ जाओ एकदम, इधर बढ़ जाओ, वो होता है डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट, वो होता है डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट ऑफ एच इन जी। कंफर्म है सबको ना, बोलिएगा यस सर। ये पुरानी बातें हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, सब कुछ आपको बताया गया है, सब कुछ का थ्योरम आपको प्रूफ कराया गया है, ठीक है।
यहाँ पे बस इसलिए बता दिया क्योंकि इन सब वर्ड का यूज होगा यहाँ पे। तो ये नहीं कि इंडेक्स आया, लेकिन मुंह बना के देखने कि इंडेक्स कौन सा पहाड़ आ गया, नहीं आप जानते हो मैं दोनों डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट पोर्शन, तो फिर लगे मुंह बना के देखने कि ये क्या होता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल को समझा दिया, पोर्शन बनते कैसे हैं, दो पोर्शन लेंगे तो या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे, है ना। और जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट पोर्शन होते हैं उनका जब यूनियन लोगे आप तो जी के ही बराबर आएगा, और जो नंबर आप डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट पोर्शन होता है उसी को इंडेक्स ऑफ एच एन जी कहते हैं, और वो बराबर आता है आर्डर ऑफ ग्रुप को, जब आर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है तो वही नंबर वो होता है। और यही लैग्रेंजेस थ्योरम भी है, है ना, लैग्रेंजेस का यही थ्योरम है आपका, आर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ ग्रुप, ये आपने प्रूव भी किया हुआ है। और उसी तरीके से आपको याद होगा तो उसी तरीके से हमने वहां माना हुआ कि जी में मान लो एन एलिमेंट है, ए वन ए टू से लेके ए एन तक, एच कोई सब ग्रुप है, है ना, मान लो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से मान लेते हैं कि कुछ नंबर में डिस्टिंक्ट है, मान लीजिए आर नंबर में डिस्टिंक्ट है, जी इज इक्वल टू ए वन एच यूनियन ए टू एच यूनियन ए थ्री एच डॉट यूनियन ए आर एच, जितने डिस्टिंक्ट होंगे उनका यूनियन लेने पर इस तरीके से बन जाता है। और आप ये भी जानते हो कि ऐसे केस में आर्डर लगा दो तो आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए वन एच प्लस आर्डर ऑफ ए टू एच ऐसे बनता चला जाएगा। आर्डर ऑफ ए वन एच किसी भी कोसेट का आर्डर वही होता है जो उसके सब ग्रुप का आर्डर होता है जी के, भाई जितना कोसेट बना था उस कोसेट में दो ही एलिमेंट दिखाई दे रहा था, हर कोसेट का आर्डर जो होता है वो दो ही था जो कि सब ग्रुप का भी आर्डर है, दो कोसेट आर्डर वही था जो सब ग्रुप आर्डर होता है। तो आर्डर ऑफ ए वन एच जो आर्डर ऑफ सब ग्रुप है, अगर आपने आर्डर ऑफ सब ग्रुप यम माना हुआ है आपका यम, फिर अगला वाला आर्डर ऑफ ए टू एच फिर यम, यम प्लस यम प्लस यम आर टाइम्स तो आर इंटू यम, और आर्डर ऑफ जी आपने मान लिए यन तो यन बराबर यम इंटू आर, इसका मतलब यन को यम डिवाइड करता है आर बार में, और आर नंबर क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोशेंट है, हो गया प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम तुरंत, है ना, ये सब कुछ किए हैं आप। हेडिंग पे जी आप सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या खड़ा तो पढ़ेंगे आप, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, देखिए इसमें एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी इज सेट टू बी, एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी इज सेट टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ ए, एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी सेट टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ ए स्मॉल ए, सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ ए हो गया, इफ द वनली मेंबर ऑफ क्लास सी, इफ द वनली मेंबर ऑफ क्लास सी इज ए, दैट इज if the only member of class C is A, class C is A, that is C A is equal, C A is equal singleton A, भाषण आ रही है ना, देखो ये दोनों मतलब एक ही है, class C है ना, ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ कोई समस्या नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्रुप में है ना जो एलिमेंट है वो सेल्फ कॉन्जुगेट ग्रुप में, हर एलिमेंट स्वयं के ही कॉन्जुगेट ग्रुप में, और कोई दूसरा ना कॉन्जुगेट ग्रुप में हो, कोई किसी ग्रुप में हर एलिमेंट केवल स्वयं के कॉन्जुगेट ग्रुप में दिखाई दे, किसी और एलिमेंट के कॉन्जुगेट ग्रुप में ना दिखाई दे, ये समझिए इसका मतलब है ना, स्वयं के कॉन्जुगेट ग्रुप में दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में किसी भी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा उसमें केवल वही एलिमेंट आएगा। भाई देखो ए का कॉन्जुगेट ए है केवल, तो ए वाले कॉन्जुगेट क्लास के जो सेट में इक्विवेलेंस क्लास के सेट में कौन आएगा, जी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेट ग्रुप में है, आपने बोला कि ए के कॉन्जुगेट ग्रुप में ए है तो ए ना आएगा, तो ऐसी स्थिति में जो सी ए होगा वो सिंगलटन ए के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ग्रुप जी में हर एलिमेंट स्वयं के केवल कॉन्जुगेट ग्रुप में, केवल स्वयं के ही कॉन्जुगेट ग्रुप में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास बनता हुआ दिखाई देगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी वही एलिमेंट आएगा, अर्थात जो सेट बनेगा वो सिंगलटन सेट बनेगा, उसमें वही एलिमेंट ए होगा, बी के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास बनेगा उसमें सिंगलटन बी, मतलब उसमें खाली बी होगा, जिस भी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास बनता हुआ दिखाई देगा उसमें जी का वही एलिमेंट आएगा जिसका आप क्लास बनवा रहे हैं, बस हमारे क्योंकि हर एलिमेंट केवल स्वयं के ही कॉन्जुगेट के रूप में है।
अगर दूसरे एलिमेंट को कांजुगेट ग्रुप मतलब वो भी आते हैं क्लास में, तो ये तो समझाया आप लोगों को है ना कि सी ए का मतलब है ना जी के वे एलिमेंट जो ए के साथ कांजुगेट ग्रुप में हो। अभी आपने बोला इसमें कि इसमें हर एलिमेंट स्वयं के कांजुगेट ग्रुप में है, मतलब हर एलिमेंट का कांजुगेट वही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सी ए आएगा उसमें क्या आएगा, सिंगलटन ए आएगा। बस नहीं लिख लिया आप उसको, अगर लिख लीजिएगा 10 ए सेल्फ कांजुगेट, देखो 10 ए सेल्फ कांजुगेट इफ एंड ओनली इफ ए सेल्फ कांजुगेट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी हो गया। एंड आल्सो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको उधर भेज दो एक्स ए इज इक्वल टू है ना ए एक्स, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स ठीक है, और फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ठीक है। यह तो ये आपको एक लाइन याद रखनी है इसमें। अब हेडिंग करो बड़े आगे, नॉर्मलाइजर आर सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर आर सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी में किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर क्या होता है ठीक है। हाँ, इन ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी में किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर क्या होता है ठीक है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर होता है क्या एक्चुअल में, मान लीजिए जी में कोई एलिमेंट ए है, बहुत सिंपल समझिएगा ये, मतलब एक कंजुगेट से एक मात्र जाती है। मान लीजिए जी में कोई एलिमेंट ए है तो ए के नॉर्मलाइजर को हम ऐसे लिखेंगे, यानी इसे ए के नॉर्मलाइजर में जी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, यह होता है नॉर्मलाइजर। किसी भी ग्रुप जी में किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है वो जी के वे एलिमेंट होते हैं जो उस एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, जी के वे एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करेंगे वो सब नॉर्मलाइजर में आएंगे। बस समझ आएगा, वे सभी नॉर्मलाइजर में आएंगे। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अगर इसको अगर लिखना चाहो तो मतलब तो वही हो गया ना, है ना। आप इसको लिखो अगर यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, अगर मैं इसी एक्स को उधर भेज दूं, इसी एक्स को मैं उधर भेज दूं, देन यू गेट ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज कंजुगेट टू ए, मतलब ये चीज है यहाँ पे कि इसमें जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जी के वे एलिमेंट आएंगे जिस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जी का हर एक एलिमेंट अपने ही कॉन्जुगेट ग्रुप में दिखाई देगा। मतलब समझिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जी के वे एलिमेंट आएंगे जिस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जी का हर एक एलिमेंट स्वयं के कॉन्जुगेट के रूप में दिखाई देगा। ये कॉन्जुगेट के रूप में डिफिनेशन हो गया। और जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग डिफिनेशन है, बेसिक इनिशियल डिफिनेशन, वो ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करते हुए दिखाई देंगे। बस समझ आ रही है। इसी पे उसके बाद आपका थ्योरम होता है। थ्योरम आता है तुरंत, आपको शो करना होता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब किसी भी जी में किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है ना, वो भी एक सेट बनता हुआ दिखाई देगा ना, उसमें भी जी के ही तो एलिमेंट आएंगे। तो जो किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होता है एक्चुअल में वो जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब किसी को सब ग्रुप दिखाने का क्या तरीका होता है, किसी को भी सब ग्रुप दिखाना है तो दो एलिमेंट आप ए भी उसमें ले लीजिए, अगर ए भी इनवर्स उसमें मिलान कर गया तो सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस वाले थ्योरम में ध्यान रखिएगा, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई जी का एलिमेंट है, तो देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो हो जाएगा
इसमें जी के वे एलिमेंट आएंगे जो जी के जो ए के साथ, जो ए के साथ कम्यूट होते हुए दिखाई देंगे। बात समझ आ रही है? जो ए के साथ कम्यूट होते हुए दिखाई देंगे, जी के इसमें वे एलिमेंट आएंगे। अच्छा, तो इसमें जी के ने एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब कि जो एन ए होगा वो जी का सबसेट होगा, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहला देखना होता सबसेट है कि नहीं, ये पहला कंडीशन है ना। आप जल्दबाजी नहीं खाली तुरंत ये भी मान के दिखा दिए, पहले चेक कीजिए वो सबसेट है कि नहीं। तो ये सबसेट है क्योंकि नॉर्मलाइजर भाई ए के करेस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइजर बना हुआ है, उस नॉर्मलाइजर में जी के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। लेकिन कौन से एलिमेंट है, जी के ही तो एलिमेंट है, तो नॉर्मलाइजर आप ए में जी के ही एलिमेंट आ रहे हैं। जो इसमें जी के एलिमेंट है तो कन्फर्म है कि जी का सबसेट ही बनेगा ना, वो इसमें सभी जी के एलिमेंट है, इसका मतलब वो जी का सबसेट बन जाएगा। बस मान लीजिए कि ये जी का ही सबसेट है, यानी जो है जी का ही सबसेट है। तो पहली बार जी का सबसेट हो गया, अब खाली चेक कर लेना है जो कंडीशन है हमारे पास। अब कंडीशन की बात अगर हम करें तो उसमें आपको ये दिखाना है कि अगर ए बी कोई आप एन ए में लेते हैं, सॉरी कोई भी दो एलिमेंट, अभी ए बी मत बोलिए यहाँ पे, एक्स के लिए है ना, मान लीजिए एक्स वन एक्स टू कोई आप एन ए में लेते हैं तो एक्स वन एक्स टू का इनवर्स एन ए में मिलान करना चाहिए। अब ये चीज होने के लिए सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या हमारे एन ए में इनवर्स है कि नहीं है, तब ना x1 x2 लोगे तो x2 का इनवर्स भी तुरंत x2 का इनवर्स कर दिए, पहले x2 का इनवर्स होगा तब ना x1 into x2 का इनवर्स आप देखोगे उसमें है कि नहीं है, पहले हम चेक करना चाहते हैं x2 का इनवर्स है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए एन ए में दो एलिमेंट x1 कमा x2 बिलोंग्स टू एन ए। अगर एन ए में आपने दो एलिमेंट x1 x2 ले लिया तो बाई कंडीशन जो एन ए का कंडीशन है, एन ए में जी के वे एलिमेंट आएंगे है ना जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, तो विच इंप्लाइज अगर x1 x2 एन ए में है तो कंफर्म है कि x1 a इज इक्वल टू ax1 एंड x2 a इज इक्वल टू ax2। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एन ए में कोई भी एलिमेंट अगर आप मानोगे तो कंफर्म है कि वह ए के साथ कम्यूट करता हुआ होना चाहिए, यानी में वही एलिमेंट जी के आते हैं जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। तो अगर x1 x2 एन ए में लिए हैं तो कंफर्म है कि वो x1 x2 ए के साथ कम्यूट करते होंगे, तब ने आप एन ए में माने, यानी में कोई एलिमेंट अगर मानते हैं या आप कहते हैं कि है उसमें तो कंफर्म है कि वो ए के साथ कम्यूट करेगा, तब वहां पे है। अगर वो कम्यूट नहीं करेगा तो वहां पे वो रही भी नहीं करेगा, क्योंकि एन ए में वही एलिमेंट आते हैं जी के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, एन बी में वही एलिमेंट आएंगे जी के जो बी के साथ कम्यूट करते हैं, एन सी में वही एलिमेंट आएंगे सी के, सॉरी जी के जो सी के साथ कम्यूट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये होता है नॉर्मलाइजर का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे ये चीज आपके पास है, ये कंडीशन, अब क्या कीजिए, अब ये दोनों चीजें हैं आपके पास क्योंकि आपने एक्स वन एक्स टू को एन ए में मान लिया है। तो चलिए एक्स वन ए, सिंस एक्स वन ए इज इक्वल टू ए एक्स वन, कोई भी इसमें से एक ले लो आप पहले, तो एक्स वन ए इज इक्वल टू ए एक्स वन, ये आपके पास कंडीशन है। अब क्या कीजिए बेटा, यहाँ पे दोनों साइड आप x2 का इनवर्स लगा दीजिए लेफ्ट में प्लस, है ना, या x2 का ऐसे दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे कर दो पहले यहाँ पे दोनों साइड आप x1 का इनवर्स लगा दो, x1 a और x1 इनवर्स ax1। अच्छा प्रश्न उठता है कि x1 का इनवर्स मिला कहां से आपको? तो देखो x1 x2 ये का एलिमेंट है, है ना, और एन ए में जो एलिमेंट आते हैं वो जी के ही एलिमेंट आते हैं। इसका मतलब दिमाग में ये भी रहे कि x1 x2 एन ए का एलिमेंट हमने माना जरूर है, लेकिन x1 x2 जी का ही एलिमेंट है क्योंकि एन ए में जी के ही तो एलिमेंट आते हैं, तो x1 x2 जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है, तो जी ग्रुप है तो उसके पास हर एलिमेंट होंगे इनवर्स होंगे। इसलिए अगर x1 x2 एन ए में है तो x1 x2 जी का भी एलिमेंट है, x1 x2 जी का एलिमेंट है, तो x1 इनवर्स भी आपके पास है, x1 इनवर्स भी आपके पास है, ये आपके पास है। लेकिन अब क्या है x1 x2 इनवर्स एन ए में भी है, ये चीज देखना है। ये तो कंफर्म है कि x1 x2 जी में है और x1 x2 का इनवर्स भी जी में है, लेकिन क्या है x1 का इनवर्स x2 का इनवर्स एन ए में है, ये हमको देखना है ना। ये चीज हमने कर दिया, अब ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पे तो एसोसिएट करा लीजिए आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करवा करेगा क्योंकि सभी के सभी जी के ही एलिमेंट है, एसोसिएट करा लो तो x1 का इनवर्स x1 और a और x1 का इनवर्स है ना a और a x1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, x1 का इनवर्स x1 मतलब आइडेंटिटी और यहां पे x1 का इनवर्स a और यहां पे हो गया आपका x1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ए आपका ए आएगा बेटा, x1 का इनवर्स ए और x1। अब क्या करते हैं दोनों साइड उसे यही तो हम सेट भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अभी इसको भेज दो उधर, काम खत्म हो जाता है। इस x1 को भेज दो उधर, तो ए राइट में है तो राइट में जाएगा इनवर्स के रूप में, ये नियम होता है। और ना समझ में आया तो एक तरीका और है, दोनों के राइट में x1 इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। दोनों तरीका है, दोनों के राइट में भी अगर आप x1 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, x1 इनवर्स a और x1 है यह है, x1 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों के राइट में, है ना भाई। सेम सेम किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि भाई देखो यहाँ x1 x1 इनवर्स कहानी खत्म साफ। यहाँ हो जाएगा a x1 इनवर्स, है ना, इज इक्वल टू x1 इनवर्स a। इसका मतलब x1 इनवर्स a के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो भी a के साथ कम्यूट करेगा वह यने में बिलोंग करेगा x1। बात समझ आई ना, क्योंकि x1 इनवर्स g का एलिमेंट है, क्योंकि आपने यने में अगर x1 लिया हुआ है तो x1 कहां का है, g का ही है। x1 g का है तो x1 का इनवर्स भी g में होगा, तो x1 इनवर्स g में है तो वह x1 इनवर्स a के साथ यहां पे कम्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो g का यह एलिमेंट a के साथ कम्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए g का यह एलिमेंट जो है वो n में बिलोंग करेगा। इसका मतलब n में x1 है तो n में x1 इनवर्स भी है। इसी प्रकार से आप इस पर भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको कंटिन्यू कर दें, है ना, इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप ये मान लेते हैं कि x2 a बराबर ax2, वही कहानी जहां आप x1 इनवर्स ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, x2 इनवर्स मल्टीप्लाई करी, है ना, तो वी गेट लेट दिस एंड वी गेट, आपको ये मिल जाएगा x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ए एक्स टू इनवर्स, ये मिल जाएगा। इसी तरीके से मिलेगा, कुछ नहीं करना, जहां पे x1 इनवर्स x1 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हो वहां x2 इनवर्स से लेफ्ट में, x2 इनवर्स से राइट में कर दो, दोनों साइड कर दो, इसी तरह से एसोसिएट करा दो, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि जो x2 इनवर्स है दैट बिलोंग्स टू यानी, है ना, क्योंकि x2 इनवर्स g का एलिमेंट है। कैसे g का एलिमेंट है, क्योंकि x2 na का एलिमेंट है, यानी में g के ही एलिमेंट आते हैं। इसका मतलब x2 g का एलिमेंट है, x2 g का एलिमेंट है, g ग्रुप है, तो ये g में x2 इनवर्स भी है, g में x2 इनवर्स भी है, और g का वह x2 इनवर्स a के साथ कम्यूट कर रहा है, और a के साथ कम्यूट करेगा तो यानी में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि भैया जो यानी में जो भी एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स भी होंगे, उनके इनवर्स भी यानी में होंगे, और लास्ट में बस वो दिखा देंगे x1 x2 का इनवर्स, है ना। तो ये अभी छापना नहीं है, मैंने कहा हम छाप रहे हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल तो दिखाया नहीं, तो डिफरेंशियल लिख लीजिए पहले, ठीक है भैया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू g, डिफरेंशियल लिखिएगा, इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू g देन na, इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू g देन na कामा द नॉर्मलाइजर ऑफ a इन g, na को क्या बोलेंगे, द नॉर्मलाइजर ऑफ a इन g, the normalizer of a in g is the set of the normalizer of a in g is the set of is the set of all those elements of g, एक normalizer form होता है, है ना, कैसा होता है, एक ऐसा set होता है जिसमें all those elements of g, जिसमें g के वे सभी element आते हैं, which commutes with a, all those elements of G which commutes with A, normalizer of A में G के वे element आएंगे जो A के साथ क्या करते हैं, commute करते हैं, which commute with A, that is if A belongs to G, ये छाप लीजिए, ये छापने के बाद ये theorem लिख लीजिए, ये थ्योरम लिखने के बाद इतना प्रूफ लिख लीजिए जहां जहां तक लिखे हैं, फिर दूसरा पार्ट भी जैसे ही छापे फिर मैं वो दूसरा वाला पार्ट भी करा देता हूँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन के बाद ध्यान दीजिएगा, आपने ये कंफर्म कर लिया
कि अगर एन ए में एक्स वन एक्स टू है तो एन ए में एक्स वन एक्स टू का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। वो आपने किस तरीके से दिखाया, आपने दिखाया कि एक्स वन एक्स टू का इनवर्स भी ए के साथ कम्यूट कर रहा है और एक्स वन एक्स टू का इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट है और जी का जो भी एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा वो एन ए में जाएगा। तो आपने शो करके दिखा दिया है कि एक्स वन का इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एन ए एंड एक्स टू का इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एन ए, है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नाउ आपने दो एलिमेंट लिया है एक्स वन एक्स टू एन ए में, अगर दो एलिमेंट एन ए में ले रहे हैं आप और हमको एन ए को सब ग्रुप दिखाना है तो एक्स वन एक्स टू का इनवर्स आपको एन ए में दिखाना होगा, इन्हें दिखाना होगा, है ना। मतलब नाउ वी हैव टू शो दैट, हमको अब यह शो करना है, वी हैव टू ओनली शो दैट, हमको अब खाली यह शो करना है कि एक्स वन एक्स टू का इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, हमको खाली यह शो करना है। अगर x1 x2 n में लिया है, अगर x1 x2 का इनवर्स अगर n में बिलोंग कर गया तो n सबग्रुप बन जाएगा। ये सबग्रुप का नियम है, जिसको भी सबग्रुप दिखाना होता है दो एलिमेंट a कमा b वहां से ले लेते हैं। जैसे h को सबग्रुप बोलना है तो लेट a कमा b बिलोंग्स टू h, तो अगर यह सबग्रुप है देन ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू h, यही तो है वन स्टेप टेस्टिंग। तो x1 x2 n में ले लिया है और एन ए को सब ग्रुप दिखाना है तो एक्स वन एक्स टू का इनवर्स भी एन ए में दिखा देना होगा। अब एन ए में किसी एलिमेंट को अगर दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, आपको यह दिखाना होगा कि वो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता है। अगर इनको एन ए में बिलोंग करना है भैया तो इनको ए के साथ कम्यूट करते हुए दिखाई देना होगा। अगर ये ए के साथ कम्यूट करता हुआ दिखाई देगा तभी उसने बिलोंग करेगा। तो आइए देखते हैं क्या ये ए के साथ कम्यूट करता है। तो देन X1 X2 का इनवर्स चलो देखते हैं ये के साथ कम्यूट करता है कि नहीं करता है। अगर ये A के साथ कम्यूट करेगा तो X1 X2 का इनवर्स A बराबर आना चाहिए A X1 X2 का इनवर्स, ये कम्यूट करने का तरीका है, है ना। इसे Y A के साथ कम्यूट करा समझ लो Y A बराबर A Y, इसे से X1 X2 का इनवर्स अगर A के साथ कम्यूट करा समझ लो X1 X2 का इनवर्स A बराबर A X1 X2 का इनवर्स आना चाहिए। अब देखो ध्यान से X1 कहां का एलिमेंट, X1 Na का एलिमेंट, X2 इनवर्स कहां का एलिमेंट, OB Na का एलिमेंट, A कहां का एलिमेंट, A आपका G का एलिमेंट, A G का एलिमेंट, अच्छा A तो हो गया। अगर मैं G के रेस्पेक्ट में बात करूं तो तीनों G के एलिमेंट हैं, जो भी Na होगा वो G का होगा करेगा, A ऑलरेडी G का है और ये दोनों Na के हैं, जो Na के हैं वो G के होंगे, ये सभी एलिमेंट G के हैं। अगर ये सभी एलिमेंट G के हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दीजिए तो यहां बड़ा हो जाएगा X1 है ना, X2 इनवर्स A हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दीजिए यहां पे इस तरीके से हो गया X1 X2 का इनवर्स A। अब X2 इनवर्स A की बात है, X2 इनवर्स कहां का एलिमेंट है, G का भी है और Na का भी है, तो X2 इनवर्स Na का है इसलिए यह X2 इनवर्स A के साथ कम्यूट करेगा। देखो क्यों कम्यूट कर रहा है, G की वजह से नहीं कम्यूट कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखूंगा X1 और A X2 इनवर्स में लिखूंगा। तो ये मैं क्यों लिखा, A में कम्यूट कैसे करा दिया, क्योंकि तो X2 इनवर्स किसका एलिमेंट है, Na का, और जो भी Na का एलिमेंट होता है देखो ऊपर लिखे तो हो वो A के साथ कम्यूट करेगा, तो A के साथ कम्यूट कर दिया X2 इनवर्स A बराबर A X2 इनवर्स लिख दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो G के हिसाब से, क्योंकि सभी G के एलिमेंट है, एंड एक कम्यूटेटिव किसके साथ लगाया, नॉर्मलाइजर के हिसाब से, G ग्रुप है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है हमको नहीं पता, बस ना ये ना और वेरियन है कि नहीं हमको नहीं पता। तो यहाँ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ वो G की वजह से नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मलाइजर की वजह से लगा रहा हूँ, नॉर्मलाइजर में जो भी एलिमेंट होते हैं G के वो उस एलिमेंट A के साथ कम्यूट करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन एसोसिएटिव जो लगाने जा रहा हूँ G की वजह से लगाने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा समझिएगा इधर, है ना। तो यह हो जाएगा बेटा यहाँ पे मैं अब एसोसिएट करा रहा हूँ कैसे, अब X1 के साथ A को ले रहा हूँ, X2 इनवर्स को बाहर कर देगा, फिर वही हाल, X1 कहाँ का एलिमेंट, X1 G का एलिमेंट तो है, है X1 नॉर्मलाइजर का भी एलिमेंट है, तो आपने लिखा है अगर X1 नॉर्मलाइजर का एलिमेंट तो X1 A बराबर A X1, तो चलो जहाँ X1 A है वहाँ पे A X1 लिख देते हैं। देखो हो कुछ नहीं रहा है, अगर देखा है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वास्तव में कहें तो बहुत कुछ हो रहा है। ये देखिए कहानी अब क्या हो रहा है, अच्छा अगर देखो क्रिया उदाहरण कर रहे हैं, नौटंकी हो रहा है, लेकिन
हर एक इधर उधर करने पे एक भी लाइन इधर उधर कर रहे हैं आप, एक एक नियम लग रहा है, नॉर्मलाइजर आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, तमाम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे चिल्लाते हैं फालतू सिकर देते हैं ना। अब ये हो गया भैया, एक का म्यूट हो गया नॉर्मलाइजर की वजह से। अब चूंकि फिर आपका सब्जी के एलिमेंट है, फिर एसोसिएट करा लो। अब ए को बाहर कर दिया और एक्स वन एक्स टू का इनवर्स कर दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, x1 x2 का इनवर्स a इज इक्वल टू a x1 x2 का इनवर्स, विच इंप्लाइज x1 x2 का इनवर्स कम्यूट्स विथ a, कम्यूट्स विथ a, एंड आल्सो x1 x2 का इनवर्स जो है वो g का एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि g ग्रुप है, x1 x2 सब उसमें है, x2 का इनवर्स भी उसमें है, तो ये g का, तो g का जो भी एलिमेंट a के साथ कम्यूट करेगा, जी का ऐसा एलिमेंट यने में बिलोंग कर जाएगा। तो आपने x1 x2 यने में लिया, x1 x2 का इनवर्स एने में पा लिया, विच इंप्लाइज एने इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप किसका, आप जी का। अब छापिए।